देखो 5.2 द 8th क्वेश्चन है एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106. फाइंड 29th टर्म. देखो एपी च 50 टर्म्स है यानी कि A1, A2, A3, A4, सो ऑन अप टू A50. ये थोनू कहते हैं कि थर्ड टर्म 12 है, थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म देखो 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म कि होगी 50th ही होगी ना, यानी कि लास्ट टर्म यानी कि A50 थोड़ा कि 106. कहें 29th टर्म फाइंड करो. देखो थर्ड टर्म गिवन है 12. थर्ड टर्म का फॉर्मूला की लगाऊंगे ए प्लस 2D इक्वल टू 12. फिर थोड़ा इन्होंने कि लास्ट टर्म लास्ट अपनी कि 50th टर्म है A50 इक्वल टू कितने हो गया 106 से, यानी कि ए प्लस 49 गिवन है 49D की गिवन है 106. देखो इतों ए की वैल्यू फाइंड कर लो, 12 माइनस 2D हो जाएगा, आ प्लस का 2D इधर आके की हो जाएगा माइनस आ. इनू इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर लो, इनू सैकेंड ए की वैल्यू 12 माइनस 2D सैकेंड च की कर दो पुट. ट्वेल्व माइनस 2D प्लस 49D इक्वल टू 106. देखो 49D जो अगर 2D माइनस करते हो यानी कि प्लस माइनस माइनस 47D. साइन किंदा लार्जर है प्लस का तो प्लस लग जूगा इक्वल टू 106. देखो प्लस इधर आके की जूगा माइनस, प्लस का 12 इधर आके की जूगा नेगेटिव का माइनस करके की आ गया थोड़े को 94. डी की वैल्यू थोड़ी आ गई 2. डी की वैल्यू तुसी इहदे च पुट कर दो फस्ट इक्वेशन च. ट्वेल्व माइनस 4 किन्ना आ जाऊगा 8. देखो थोड़े को ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई. देखो आप 29th टर्म फाइंड करनी है. 29th टर्म का फॉर्मूला की होगा ए प्लस 28D. ए की वैल्यू 8 आई है, डी की वैल्यू 2 आई है. 8 प्लस देखो 28 की 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो 56. 56 प्लस 8 कितना आ जाएगा 64. ए 29 कितने इक्वल हो गया थोड़ा 64 रुपये.